वेक्टर अलजेब्रा में आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वेक्टर क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एंड प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। ये इसमें हमारा टॉपिक्स कवर्ड है, एक एक करके इनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर को समझते हैं, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हमारा एक इस प्रकार का है कि जिसमें कि डायरेक्शन होती है और उसमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर जो है हमारा एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और उसमें कुछ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कुछ लेंथ होती है उसके अंदर। तो वो कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। चलो ग्राफिकली समझते हैं किस तरह से है। तो एक हम ग्राफ पेपर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें सपोज कीजिए हमारा ये 2 3 है। अब ये 2 3 आप सोच रहे होंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, बट वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताता हूँ। देखिए कहीं भी आप एक पॉइंट को मानिए, यहाँ पर ये ग्राफ पेपर आपका है, किसी भी एक पॉइंट को ले लो कुछ इस तरह से। जैसे ये हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से हम वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर कैसे बनाएंगे आप खुद देखना। देखिए इसमें है 2 और 3। 2 का मतलब होता है हॉरिजेंटल शिफ्ट, आपका 2 यूनिट है, और 3 का मतलब है आपका 3 यूनिट वर्टिकल शिफ्ट है। तो जैसे हम देखें तो 2 यूनिट आपका, देखिए ये यहाँ पर आपका ये 0 1 2, और फिर आपको 3 ऊपर जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ग्राफ पेपर में यहाँ तक नहीं आ रहा है, हम यहाँ से कहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से 1 2, और यहाँ से 1 2 और 3, कुछ इस तरह से। और इनको आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद आपने एक ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कुछ इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये आपका वेक्टर हो गया 2 3, ठीक है, इसको 2 3 वेक्टर कहेंगे हम। अच्छा अब एक और हम ऐसी सपोज कर लेते हैं, सपोज कीजिए जैसा आपका ये है -1 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो माइनस का मतलब जो है, जो आपका हॉरिजेंटल शिफ्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ होती है और नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ होती है आपकी। तो जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ से एज्यूम करता हूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप कहीं से भी ले सकते हो। दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। और स्टार्टिंग पॉइंट -1 यानी कि आपका जो हॉरिजेंटल शिफ्ट है वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, 3 यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, 1 2 और 3। ये तो ये आपका एंड पॉइंट होगा जिसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो ये आपका वेक्टर जो है ये बनेगा। तो इस वेक्टर में आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, तो ये किसी डायरेक्शन को भी दिखा रहा है, आप देख सकते हो किसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। और इसकी कुछ लेंथ भी है, इसकी कुछ लेंथ भी है, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है। तो एक और हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कीजिए जैसे कि हमने ले लिया ये लेट्स से 4 एंड, इसका कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं। लेट्स से 4 एंड -3, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से हम यहाँ पर ले लेते हैं कहीं पर, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और एंड पॉइंट किस तरफ होगा, देखो 4 तो आपको हॉरिजेंटल शिफ्ट है, 1 2 3 एंड 4, और अब वर्टिकल शिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड्स है। देखिए पॉजिटिव मतलब अप, नेगेटिव मतलब डाउन, वर्टिकल की बात करें तो यहां से डाउन आप जाएंगे 3 1 2 और 3, यहां तक ये आपका एंड पॉइंट होगा, या फिर कह सकते हो टर्मिनल पॉइंट होगा। तो अब इसको आप ज्वाइन कर दो कुछ इस तरह से, और डायरेक्शन कहीं यहाँ बीच में दिखा दो ऐसे इस तरह से, या यहाँ भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्शन दिखा सकते हो कि डायरेक्शन किस तरफ है, समझे। तो ये जो आपका बना है ये आपका 4 -3 बना है, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होगे कि भाई ये 4 -3 आपने यहीं से क्यों बनाया, आप कहीं से ही बना सकते हो उसको। इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट आप कहीं भी एज्यूम कर लो, लेट से मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेता। तो अगर यहाँ पर एज्यूम करता तो क्या होता, देखिए 1 2 3 4 तक जाना है हमें, 4 और -3 यानी कि डाउनवर्ड, यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट लेट से SP, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका टर्मिनल पॉइंट लेट से TP,
और आप इसको करेंगे ज्वाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर आपके ऑलमोस्ट ये पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये 4:3 जो है आपका, चाहो तो यहां बना लो चाहे यहां बना लो, ये बना आप कहीं भी सकते हो, ये दिस इज फ्री, मतलब ये कहीं भी आप इसको बना सकते हो, ये फ्री वेक्टर कहलाते हैं इसको, आप कहीं भी बना सकते हो और जहां से आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, 4:3 अगर हमने बनाया है, ठीक है। अब एक वेक्टर और बनाते हैं हम, और दूसरा वेक्टर जो बनाने जा रहे हैं हम इसमें एक और, मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं इसमें -2 एंड 6, -2 एंड 6 बना रहा हूं। तो -2 एंड 6 बनाने के लिए मैं बना लेता हूं यहां से, कहीं से बना लेता हूं, कहां से बनाए, यहां से बनाते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया हमने -2 एंड 6 के लिए, इस वाले के लिए, और यहां सबसे पहले माइनस, यानी कि इस तरफ जाओगे 1 2 माइनस हो गया, और यहां से 1 2 3 4 5 6, और अब इसको कर दो आप, ये मतलब यहां तक आ रहा है आपका ये टर्मिनल पॉइंट, इसको आप करो ज्वाइन कुछ इस तरह से और इंडिकेट करो। तो आप देख सकते हो ये जो वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, इसके है ना, ये इसके पैरेलल आ रहा है। और ये मैंने देखो जानबूझ के किया भी क्या था, इनके कोऑर्डिनेट्स को डबल किया था, इनको डबल किया था। तो कोऑर्डिनेट्स को अगर आप डबल कर देते हैं, इनके जो आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, जो वर्टिकल शिफ्ट है, उनको डबल कर देते हैं, तो जो भी अगला वेक्टर बनेगा वो जो है पिछले वेक्टर के पैरेलल होगा। मान लीजिए मैं इनको कुछ इंडिकेट कर देता हूँ, लेट से इनको मैं बात करता हूँ, इस वाले के लिए बोल देता हूँ मैं ए वेक्टर, ये इस तरह से दिखाते हैं वेक्टर को, ए वेक्टर, और इसके लिए मैं बोल देता हूँ लेट से बी वेक्टर, और इसके लिए बोल देता हूँ मैं सी वेक्टर, और इसके लिए हम बोल देते हैं लेट से आपका डी वेक्टर, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, और आपका बी वेक्टर इधर है, उसके बाद हमारा सी वेक्टर, सी वेक्टर मैंने दो जगह दिखाया था है, और ये इससे ये बताया गया था कि स्टार्टिंग पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, और उसके बाद मैंने बताया है ये डी वेक्टर। तो इसमें आप एक रिलेशन देख पा रहे हैं, जो बी वेक्टर है वो पैरेलल है डी वेक्टर के, ठीक है। और पैरेलल अगर है तो इसमें साथ साथ हम एक चीज और भी देख पा रहे हैं कि अगर मैं बी वेक्टर का डबल कर दूं, डबल ऑफ बी वेक्टर, डबल ऑफ वेक्टर बी कर दें तो वो आपका डी वेक्टर के बराबर है। तो इससे एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है, कभी भी अगर आप दो वेक्टर में एक एक प्रकार का रिलेशन देखें, इसी के हिसाब से बता देते हैं, जैसे सपोज कीजिए इफ, ये अलग से कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, इफ ए वेक्टर, इससे रिलेट मत करना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्डा मल्टीप्लाई ऑफ बी वेक्टर देन दिस इंप्लाइज योर टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो रहा है, ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब वेक्टर को समझते हैं 3D के अंदर। देखिए अभी तक जो आपने देखा इसमें केवल आपने दो चीजें देखी, एक्स का शिफ्ट और वाई का शिफ्ट। एक्स का शिफ्ट हमारा कहलाता है हॉरिजेंटल शिफ्ट, और वाई का शिफ्ट कहलाता है हमारा वर्टिकल शिफ्ट। बट अगर हम बात करते हैं 3D में, तो 3D में क्या होता है, आपका ये जो एक्स और वाई है वो आपका लेंथ और ब्रेथ की तरह काम करता है, और एक जेड एक्सिस और आ जाती है जो हाइट की तरह काम करती है, ठीक है। तो 3D में अब हम आपको बताते हैं कि क्या होगा, अगेन वेक्टर जैसे कि आप 2D में देख सकते हो कि इसमें होती है डायरेक्शन और लेंथ, तो इसी तरह से इसमें भी होगी आपकी। तो ये जियो जेब्रा की हेल्प से हम समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ये आपका देखिए यहाँ पर किस तरह से होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है रेड कलर की, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है ग्रीन कलर की, और ये आपकी जेड एक्सिस है आपकी ब्लू कलर की। तो ये आपका देख सकते हो आप इस तरह से, थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ मैं आपको, और ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ रोक लेते हैं इस जगह। तो हमारा जो आपका जब भी आप 3D में कभी बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो किसी भी घर में आप कोई भी कोना देख सकते हो जिसमें कि इस तरह का ही लुक देखने को मिलता है। तो अब इसमें हम
बनाते हैं वेक्टर। तो देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें भी आपका एक एक्स शिफ्ट होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से वेक्टर बनाना शुरू किया, अभी फिलहाल ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका आ रहा क्या है, ओरिजिन पे है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका करता हूँ एक्स एक्सिस पे शिफ्ट। तो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट मैंने मान लीजिए 3 तक लिया, तो ये 3 तक आ गया, इस तरह से कुछ देख सकते हो आप। तो ये जो आपके इसके पॉइंट क्या निकल गया है, 300, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो केवल एक्स शिफ्ट है। और इसमें आप लेंथ भी देख सकते हो कि लेंथ कितनी आ रही है इसमें, लेंथ देखिए आप, लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ 3 की है, ठीक है। और डायरेक्शन टुवर्ड्स आपका एक्स एक्सिस हो गया, डायरेक्शन भी इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं इसमें वाई का शिफ्ट भी डालूं, वाई का शिफ्ट सपोज करो मैं 2 यूनिट का डालता हूं, तो ये पॉइंट आपका मूव करके यहां तक आएगा। तो ये पॉइंट आपका, ये मैंने एक्स पे दिखाया है, ये देखिए ये आपके सामने ए से लेकर बी तक। और अब जो है आप देख सकते हो ये 3, 2 हो गया, यहाँ पर 3 एंड 2 हो गया है, क्योंकि इसमें आपका एक तो एक्स एक्सिस का शिफ्ट हो गया है और एक आपका वाई एक्सिस का शिफ्ट हो गया है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने जेड एक्सिस का भी देता और जेड एक्सिस सपोज करो मैं इसमें 3 का दे देता हूँ, तो देखो ऐसे इसको ऊपर उठा रहा हूँ, देखो अब ये ऊपर की ओर उठा रहा हूँ और इसको मैं 3 तक लेके जाऊंगा, ये रहा 3 तक, ये हमारा अब 3, 2, 3 हो गया है। और मैं आपको रोटेट करके भी दिखाता हूँ इसके लिए, ये देखो तो आप देख सकते हो इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है, ये एक तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है और इसकी अपनी खुद की एक मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये 3D में वेक्टर्स कुछ इस तरह से होगा आपका, राइट। मैं एक वेक्टर में और बना रहा हूं और ये वेक्टर है आपका 1, 0। 1, 0 को बनाते हैं, तो 1, 0 चलिए बनाते हैं, सपोज करो मैं यहां से बनाता हूं, तो 1 का मतलब क्या आपका, सिर्फ हॉरिजेंटल शिफ्ट है, 0 वर्टिकल शिफ्ट नहीं है। तो ये इस तरफ आएगा कुछ इस तरह से, यहां तक आएगा ना, तो ये भी एक अपने आप में एक वेक्टर है। और इसमें देख सकते हो डायरेक्शन किस तरफ है आपका, इस तरफ डायरेक्शन है। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई 1। तो ऐसा जो वेक्टर जिसकी लंबाई 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। और ये जो वेक्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एक्स शिफ्ट है, इसको हम कहते हैं आई, आई कैप से डिनोट करते हैं ऐसे, आई कैप से, समझ गए। तो अभी जो बता रहे हैं 2D में बता रहे हैं, यही चीज आपको 3D में ही बताएंगे कि 3D में कैसा होता है। और एक अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें वाई का, तो वाई का भी कैसे होगा आपका, उसमें ये हो जाएगा 0 और 1, जिसमें कि आप यहां से बना, कहीं से बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से ले रहे हो आप। स्टार्टिंग पॉइंट में चलो यहां से ले लेता हूं, और इसमें क्या होगा आपका, ये इस तरफ होगा इस तरह से। तो ये आपका आई कैप है और इसको हम बोलते हैं जे कैप से, इसको इंडिकेट किया जाता है जे कैप से, ये जे कैप से इंडिकेट किया जाएगा ऐसे, ठीक है। 3D की बात करते हैं, 3D में क्या होगा, चलिए 3D में चलते हैं। तो 3D में क्या होगा, देखिए आपका वेक्टर बनाते हैं ये एक्स पे, एक्स पे क्या है, एक खाली 1 तक का, ये जो आपका वेक्टर बनाया आपका, ये आपका इसमें खाली कितनी डायमेंशन दिख रही है आपको, सिर्फ एक लेंथ दिख रही है। इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये सिर्फ इतना ही पार्ट लेते हैं, ये देखो ये देखो आप इसका, इसमें सिर्फ लेंथ कितनी देख रहे हो, 1 देख रहे हो। तो ये आपका इस केस में आई कैप कहलाएगा। और अगर मैंने ये वाई एक्सिस की टुवर्ड लिया होता, जैसे यहां से यहां तक, ये ऐसे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जे कैप कहलाएगा। और अगर मैं जेड की तरफ लूं, ये जेड की तरफ ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ लेके गया हूं मैं ऐसे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इसको हम आई जे, तो क्या के सिक्वेंशियली क्या हुआ, के हुआ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये किस तरह से होते हैं। अच्छा, मैंने इनको स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम रखा है, ऐसा जरूरी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट आप हमेशा सेम रखो, कहीं भी रख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट। तो शिफ्ट से मतलब है, जैसे यहां पर शिफ्ट आपका टुवर्ड एक्स एक्सिस है, टुवर्ड वाई, मतलब वाई के टुवर्ड्स, वाई की डायरेक्शन में, जहां भी वाई डायरेक्शन है। जैसे वाई डायरेक्शन अगर मैं यहां से स्टार्ट करता जे कैप की अगर बात करूं, तो ऐसे बन जाता, यहां भी बना सकते हो आप। और मान लीजिए मैंने जैसे के कैप बनाया, के मैंने ओरिजिन के हिसाब से बनाया, आप कहीं भी बना सकते हो, यहां से बना लो,
राइट। तो आई जे के ये आपके हो गए, तो इनको अब हम नाम दे देते हैं। जो रेड वाला है ये, इसको आई कैप, इसको आई कैप से लिखता हूँ, ये वाला जो आपका, और ये ग्रीन है तो ग्रीन से ही दिखाते हैं इसको जे कैप, इसको जे कैप से इंडिकेट करेंगे, ब्लू वाला ब्लू से, इसको के कैप से इंडिकेट करेंगे। और आप ये साथ साथ देख भी सकते हो कि ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, आई जे के, ये कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ वेक्टर्स पहले से डिस्कस किए थे, इनको अब आई और जे की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किस तरह से, देखो ये जो वेक्टर ए डिस्कस किया है मैंने, ये इसको लिखा जा सकता है टू आई कैप और प्लस थ्री जे कैप। क्या मतलब हुआ इसका, देखो आई का मतलब क्या है, 1, 0, इसी को सिंप्लीफाई करके बताता हूं। देखो ये आपका 2 की मल्टीप्लाई है, और आई का मतलब क्या है, 1, 0, और 3 का मतलब कि ये जे का मतलब क्या है आपका, 0, 1। अच्छा, इसको बेटर तरीके से लिखने के लिए, आप समझने के लिए देखना, खाली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 1, 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में, 0, 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है इसको हमने। तो इसमें जब 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे, और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी 3, यहाँ तो 0 हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ, तो आपका बनता है 2, 3। और देखो इस 2, 3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जस्टिफाई भी होता है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अब सी को भी देख लेते हैं। जैसे कि सी अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, सी को आप लिख सकते थे 4i-3j, और ऐसे अगर बी को लिखना होता आई और जे के हिसाब से, तो उसको लिख सकते थे -i और +3j, और अगर डी को लिखना होता तो लिख सकते थे -2i। अब मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ, कैप लगाना, देखो कैप से मतलब केवल कितना है, सिर्फ ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसकी लेंथ 1 है, राइट। तो आप बेशक ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और +6j, ठीक है, एग्जाम में चाहो तो ना भी लगाओ चल जाएगा। बट ये i आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मत समझ लेना, यहाँ पर i जो है आपका ये 1, 0 को इंडिकेट करता है। अगर आप 3D में बात करें तो 3D में भी आपको बताते हैं कि मान लीजिए 3D में अगर होता आपका, तो एक 3D के लिए और बता देते हैं। जैसे कि 3D के लिए हमारा होता कोई वेक्टर, समझते हैं ये वेक्टर हमारा OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, और ये वेक्टर हमारा है, इसके जो हमारे एक्स शिफ्ट है उसको 2 लेंगे, वाई शिफ्ट लेंगे 3, और जेड शिफ्ट भी लेंगे 3। तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका 2i 3j और आपका 3k। तो इसको एक बार बना भी लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये आपका सामने हमने बनाई इस तरह से, कुछ ये एक्सिस बना रहे हैं यहाँ पर हम, और इसमें देखिए समझने के लिए क्या तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको बोल देते हैं हम, यह एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपकी हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमने क्यूबॉइड लिया है जिसकी हमने लेंथ ली है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये ली हमने आपकी 2 यूनिट्स, तो यानी कि जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2, 0, 0 हैं, और ये जो आपका एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये एक तरह से हमारी अगर हम इसको ब्रेथ की तरह लें तो ये हमारा हो जाएगा 0, 3, 0, ये हमने 3 लिया है, मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमने, ये आपका वाई एक्सिस पे ये हमने 3 का लिया है, और ये जो जेड एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है हमने, ये वाला जो आपका क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का 0, 0, 3 लिया है, ठीक है। तो ये जो आपका एक पॉइंट बना है यहाँ पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 3 एंड 3। तो ये आपका ओरिजिन है, और ये जो आपका वेक्टर है इधर से ओ ए वैक्टर, ये हमने लेबल किया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ओ ए वैक्टर, ऐसे डायरेक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओ ए वैक्टर है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 3D की बात करते हैं, 3D में क्या होगा देखिए, अच्छा अब इसमें कुछ चीजें और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी लेंथ,
लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, हम यूजली इसको वर्ड यूज करेंगे मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड। और इसको दिखाया कैसे जाता है, इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ओ ए। तो अगर ये पता करना चाहे तो कैसे पता करेंगे, इसमें सेम वही फॉर्मूला लगता है जैसे कि आपसे पूछा जाता है लॉन्गेस्ट रोड विच यू कैन पुट इन ए रूम हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, देखिए ये होता था हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, आप देखिए इसमें आपका हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको किसी का निकालना हो तो जो आई के साथ कोफिशियंट है, जे के साथ जो कोफिशियंट है, जो के साथ कोफिशियंट है, उन सबका स्क्वायर करके उनका एडिशन करेंगे और उस पर स्क्वायर रूट डाल देंगे, ठीक है। तो ये इससे आपको पता चल जाएगी लेंथ ऑफ ओ ए वैक्टर, वैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड से। तो कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, ये आपका चार हो गया, फिर नाइन प्लस नाइन, तो ये कितना हो गया आपका 22 हो गया, स्क्वायर रूट से निकल नहीं सकता, तो यही हो गया आपका। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें वेक्टर्स की होती हैं, वो है एक तो एंगल्स। अब एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका ओ ए वैक्टर है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है आपका एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। तो सपोज कीजिए ये जो आपका एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, कुछ इस तरह से एंगल बनाएगा, और इस एंगल को हम बोल देते हैं लेट से अल्फा, ये अल्फा एक एंगल बना रहा है। और इसी तरह से ये आपका कोई एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा लेट से बीटा, और ये आपका जेड एक्सिस से भी कोई एंगल बना रहा है कुछ इस तरह से, ये ओ ए वेक्टर लेट से गामा। तो ये जो कुछ एंगल्स आपके बने हैं कोस अल्फा और कोस बीटा और कोस गामा, ये जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। कोसाइंस क्यों, क्योंकि कोस की हम बात कर रहे हैं तो कोसाइंस, ये डायरेक्शंस कोसाइंस कहलाते हैं, इनका यूज होता है आगे चल के। और ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर ए, अगर हम इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, तो दीज ऑल आर व्हाट, ये जो आपका है, और इसको देखो कैसे ब्रैकेट में रखा जाता है, ये इस तरह के ब्रैकेट में रखा जाता है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, इनको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देखिए यहां पर देखो, अगर आप कोस अल्फा की अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ कोस अल्फा की, तो कोस अल्फा जो है ये आपका अल्फा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर आप इसको कुछ इस तरह से लुक करें, यहां से कुछ ध्यान से देखें, तो ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, लेट से ये आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, हम ले लेते हैं यहाँ पर एम ले लेते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ आपका ट्रायंगल ओ एम ए, आप ओ एम ए ट्रायंगल को इमेजिन कीजिए वो कैसा दिखेगा। देखो यहां तो आपकी ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई कुछ इस तरह से, और ये आपका कहीं ऐसे आपका ओ ए वेक्टर आ रहा होगा, इस तरह से ओ ए वेक्टर आ रहा होगा, और यहां पर आपका ये एम आ रहा होगा। तो देखो ये जो एम ए एम होगा ना, ये ए एम, ए एम, आप सोचो ए एम इज व्हाट, ए एम इज डायगनल ऑफ दिस प्लेन, दिस फेस, इस फेस का डायगनल ही तो है ये ए एम। तो जो ए एम है वो आपका ओ एक्स पे क्या होगा, सोचो ओ एक्स पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि ये जो ए एम है ये ओ एक्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट। और ओ ए आपको पता चली चुका है, ये जो आपका कितना है रूट पाइस है, और आप बताइए ओ एम कितना है, ओ एम इज व्हाट, टू ओनली, ये आपका दो है और ये आपका रूट पाइस है, और ये आपका अल्फा एंगल है। तो अगर मैं कोस अल्फा की अगर बात करता हूं तो कोस अल्फा सोचिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 2 अपॉन रूट 22। तो यहां पर आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा वो 2 अपॉन रूट
22 बना, और सिमिलरली आप बाकी के पता करोगे। अगर बाकी के पता करेंगे ना तो कोस बीटा क्या होगा, 3/√22 हो जाएगा, 3/√22। और कोस गामा की अगर बात करते हैं वो भी आपका 3/√22 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। कई बार एग्जाम में डायरेक्शन कोसाइंस पूछ ले जाते हैं, और कई बार आपसे डायरेक्शन रेशो भी पूछ लेता है। तो डायरेक्शन रेशो क्या होती है ये भी बता देता हूं। डायरेक्शन रेशोज, तो डायरेक्शन रेशो वो कुछ नहीं होती है, इसके जो ए के जो आपके कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट्स, अब एक वर्ड में बोलने जा रहा हूं, स्केलर कंपोनेंट, जो ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशोज होती हैं। अब स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट, केवल कोफिशियंट्स, दीज ऑल आर स्केलर कंपोनेंट्स, ये सभी आपके क्या हैं, स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, ये और ये सभी, खाली ये सब आपके स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, और यही आपके डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगी। सेम यही 2, 3 एंड 3, कई बार एग्जाम में अगर आप पूछ लेता है तो ये 2, 3, 3 आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को इन शॉर्ट डीसीज भी बोला जाता है, डीसीज, इन शॉर्ट आपको डीसीज देखने को मिलेगा, इनके लिए डीआरस, डीसीज मतलब एस भी आएगा साथ में, डीआरस बोल देते हैं इनको ऐसे, डीआरस, डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो ये ओए वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स और हो गए। अच्छा, इन सभी को जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनके लिए भी एक नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है एल एम और एन से, इनको एल एम और एन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी एक एग्जाम्पल के लिए, तो चलिए इन चीजों को कर देते हैं हम जनरलाइज, अब कि जनरली क्या होगा। जनरलाइज करने के लिए ये सपोज करो कि आपका ये, हमने तो 2, 3, 3 ले रखे थे, अगर ये 2, 3, 3 ना होकर आपके एक्स वाई जेड होते तो क्या होता, यहाँ पर एक्स वाई और जेड होता, तो यहां पर आपके क्या जाते, यहां पर आपका एक्स वाई और जेड आ जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपने, और एल एम एन तो सेम ही रहेंगे, और यहाँ पर फर्क सिर्फ कितना आएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएंगे, यहाँ पर आपका एक्स वाई और जेड आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे, और अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन रेशोज अगर जनरलाइज करें चीज़ों को तो यहाँ पर आपकी बन जाएंगी एक्स वाई और जेड, और ये चीज़ हमने एक्सप्लेन की थी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, तो इसको कर देते हैं रब, और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये चेंज हो जाएंगे आपके, इनको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को अब, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर तो आएगा आपका एक्स, यहाँ पर आएगा वाई, और इस वाले केस में आपका हो जाएगा जेड, और यहाँ पर जो ओ ए है एक्स वाई और जेड, एंगल्स आपके इसी तरह से रहेंगे, और इसको एल एम एन हमने मान ही लिया है। अच्छा, एक रिलेशन और होता है एल एम और एन का, आप देखिए अगर मैं एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, ये 1 होगा, कैसे आप देख भी सकते हो कि देखो एक्स का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं ऐसे जैसे लाइक कह सकता हूँ, अगर ए कह दूँ सिर्फ ए, तो यहाँ पर अपॉन में ए आ जाएगा, और बात करते हैं इधर, ये आपका वाई स्क्वायर अपॉन में ये क्या आ जाएगा, अपॉन में ए हो जाएगा, मतलब उसको हमने लेंथ की तरह ही रिप्रेजेंट कर दिया ये ए को, और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा, और आप देखो इन सब का एलसीएम ए, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो यहाँ भी सबके नीचे स्क्वायर भी तो होगा साथ साथ, सबके नीचे स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये ऊपर वाला है क्या, ऊपर वाला ए का स्क्वायर ही तो है, तो ए के स्क्वायर से अगर ए के स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो एक हमारे पास एक रिलेशन और निकल के आता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर सम अप करें
तो वो इक्वल्स टू वन होता है। तो ये भी एक फार्मूला है, इसको याद रखें। चाहे तो आप कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, इन सबका एडिशन इक्वल्स टू वन होता है, या फिर आप सीधा इस तरह से भी याद कर लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। आपकी मर्जी है, कोई भी एक याद कर सकते हो आप। ठीक है, वही मैथमेटिशियन चीज़ों को छोटा करते हैं, इसलिए इनको एल एम एन बोल दिया, बजाय इसके कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा लिखने के, इनको भी छोटा कर दिया। तो इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो है वेक्टर कंपोनेंट बताना। तो वेक्टर कंपोनेंट और डिस्कस कर लेते हैं, वो यहाँ बता देता हूँ, ये पेज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेक्टर कंपोनेंट्स, नेट्स नेट्स वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट में आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्केलर कंपोनेंट, तो एक्स वाई जेड, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो के अंदर। और जो वेक्टर कंपोनेंट है वो आपके, बस फर्क सिर्फ कितना है, उनके साथ एक्स आई आ जाएगा, वाई जे आ जाएगा, और ये आपका जेड के हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द वेक्टर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर कंपोनेंट्स में एक्स आई, वाई जे और जेड के जो भी होंगे इस तरह से लिखे जाएंगे, और स्केलर में खाली एक्स वाई जेड। स्केलर कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन रेशियोज भी बोले जा सकते हैं। ठीक है,